बरसों पहली आ जादूगरनी जरिया चित्तौड़ छोड़ने गई तो लाग्यो कि प्रभु ने आपने कुल री रक्षा की ही। मैं तो ये भी भूल गया कि घर घर नगर नगर भटकन वाली पाखंडन मारे कुछ लागे भी है। लेकिन एक बार पाछो वो इस पुराणो तमाशो सुनार इसने पाछो सब कुछ याद करवा दियो है। मोरी नींद भूख प्यास सब कुछ छीन लियो या औरत ने। और अन्नदाता, इन बार वह जनता री ताकत लेने पाछी आई है और आप अठे सुने जबरदस्ती निकालने री कोशिश करी तो अठे री प्रजा विरोध भी कर सके है। इन सेवक रे होते हुए आप अपने दिमाग माथे क्यों जोर दे रही हो राणा जी? बहुत दिनों से आपकी चिंता देख लिया था, सोचियो कि आज इन चीज रो उपाय खुद रे साथे ले चालू। ओ जहर है, एड़ो जहर जी की एक ही बूंद प्राण हरण कर लेने रे काफी है। यो आप कहीं कह रिया हो? उरे बादरी बाता थे मत सोचो। लाश ने उठाने इसी जगह फेंक दूला कि कोई ने कानो कान खबर नहीं होवेला। वो तो ठीक है, पड़ो काम इतो सरल कोनी जी को आप समझ रिया हो। दयाराम पांडर होते हुए आप एड़ी बात क्यों सोचो राणा जी? दयाराम काई तो काम कर सकेला? नमस्कार रानीशा। राणा जी और चरणामृत आपरे वास्ते भिजवायो है। कहो है कि मेड़ता सो चतुर्भुज जीरो चरणामृत आपरा ताऊ जी आपरे वास्ते खास भिजवायो है। चतुर्भुज राज जीरो चरणामृत? हाँ सा। आपरी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? अच्छी बात है। नहीं, इन्हें मत पीजो। क्यों? ये राणा सरो शुभचिंतक है। मैं जानू हूं ललिता, लेकिन चरणामृत कह के जो कुछ भी मन ने दियो गयो है मैं उनरो अनादर नहीं करनो चाहूं। गिरधर गोपाल रो इस चरणामृत मानने इन्हें ग्रहण करूला। तो रानी जी आ देखो गिरधर की मूर्ति नीली पड़ गई।